प्रिंस को अप्रैल फूल बनाने वाली हूँ। प्रिंस आएंगे तो अभी हम गेम खेलेंगे, ठीक है? और उस गेम के बीच में अंकू कॉल करेगी प्रिंस को, उसके बाद मैसेजेस भेजेगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस। हाय अमृता। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस एंड आई एम मिसेस प्रिंस। तो हाँ रेखा, तो आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं कि एक दूसरे को हम लोग कितना जानते हैं, ठीक है? तो कुछ सवाल होंगे जो प्रिंस से मैं पूछूंगी और उसका जवाब मैं इसमें पहले से लिख करके आपको बता दूंगी कि इसका आंसर ये है, और देखते हैं कि जो करेक्ट आंसर है उससे प्रिंस का आंसर मैच हो पाता है या नहीं, और सेम प्रिंस करेंगे और मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है? तो देखते हैं किसको कितना पॉइंट मिलेगा। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पी, यहाँ पे आर। मुझे बताया नहीं, अचानक वीडियो में आया, वीडियो शूट करते हैं क्या अचानक? हाँ ठीक है। तो पहला सवाल है, मुझे देखना नहीं है पहला सवाल, ठीक है? अच्छा, कि मेरा चलो प्रिंस से ही कर देते हैं, चलो मेरे से करते हैं। ओके, अच्छा खुद ही अपने आप से सवाल पूछोगी, खुद ही अपने आप से सवाल पूछोगी? हाँ। बाद में देखते हैं। ओके, तो हंसी छूट गई, ऐसा तो सोचा ही नहीं था आपने। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ, कुछ नहीं। क्या मतलब है कि ऐसे सोचा नहीं था? सवाल वीडियो, तुम कुछ सवाल पूछने वाली हो मुझसे? सोच रही हो? तो कुछ तुम सोच रही हो ना क्या सवाल पूछूं मैं? ऐसा पोल खोलना चाहती हूँ। चलो ठीक है, ओके। सवाल ये है कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है, ठीक है? जवाब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और प्रिंस को उसका जवाब देना है। मैं इधर देख लेता हूँ। सो गाइस, ये है मेरा आंसर। अब देखते हैं प्रिंस के आंसर देते हैं। बताओ मेरी फेवरेट डिश क्या है? इडली, डोसा। पर तुम इडली खाते हो? रुक जाओ यार, स्टॉप कर देना। हेलो, काट दिया। ओके, तो इसमें प्रिंस हार गए। मेरे को डोसा ज्यादा पसंद है इडली से। मैं रोज तो डोसा ही खाती हूँ प्रिंस, इडली कहाँ खाती हूँ। इडली खाती हूँ। तो यहाँ पे प्रिंस को मिलेंगे, मेरे को पॉइंट मिलेंगे कि प्रिंस को पॉइंट मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे, तुम जीत गई हो भाई। ठीक है, रेखा को 5 पॉइंट। 5 पॉइंट? 1 पॉइंट दो ना। 5 पॉइंट। चवन्नी वाले गेम नहीं करते। अब तुम पूछो कि तुम्हारा फेवरेट क्या है और तुम लिखो। देखना मत। हाँ, क्या सवाल क्या है ये तो बता दो। पहले आंसर दिखा दो। आंसर पहले, मेरा आंसर ये है। हाँ, क्या सवाल है? अच्छा, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, इन फ्यूचर मैं कार ले सकता हूँ, लग्जरी कार, तो मैं लग्जरी कार कौन सी लूंगा? जैगुआर। आंसर क्या है? जैगुआर। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मेरे हो गए 5 और पॉइंट। प्रिंस की सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है? आंखें बंद। मतलब अच्छा क्या, मतलब कुछ बस, मैं और कुछ नहीं बोल सकती। प्रिंस, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है? अरे यार, वो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डबल मीनिंग जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम बोलती हो, मैं इसलिए मैंने बोला। आंखें, लेंस लगा करके आ जाते हैं और कहते हैं दाढ़ी। दाढ़ी, आई हेट योर दाढ़ी। बाल, आई हेट योर बाल। मेरा तोंद। उठा लो ना, इतना फोन आ रहा है सुबह से तुम्हें। लो, मेरे पास देखो, मैं बात करूं। कट रहा है भाई, बात क्या करोगे, हमारी आवाज में इतना दम है। सुबह से तुम्हें 3 बार कॉल आ गया। सुबह से क्या, अभी से तो आया। हां, जरा देखो तो किससे बात कर रहे हो तुम। The person you are calling is सही है।
बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है तुम्हारी। अच्छा पर अच्छा फोन उठा सकते हो पर मैसेज सीन नहीं कर सकते। ये क्या? पूछो कौन है? कौन अनपढ़ है? कौन है बताने? मुझे क्या पता, अननोन नंबर है भाई। सेव करो, फोटो देखो किसकी है, व्हाट्सएप में है तो। रॉन्ग 501, इतने रॉन्ग नंबर आते हैं क्या करें। तो 501 कर दिया, फोटो ही नहीं है। डर के मारे फोटो ही लगाते लोग, फोटो ही नहीं। क्या फोटो देखोगे? रॉन्ग 501। साबुन की बट्टी कौन है बेटे? देखते हैं कौन है। अच्छा किस भी दे रहा है, दे रही है जो भी है, किस दे रही है? कौन है पता नहीं, कोई सब्सक्राइबर तो नहीं है? सब्सक्राइबर के पास हमारा फोन नंबर नहीं है प्रिंस। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर ये किसी लड़की का नंबर ना हो तो फोन कर लो ना। तो किया ना, उठाया नहीं। तुमने बोल रखा होगा कि फोन उठाने का नहीं। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? तुम्हारा फेवरेट कलर है अच्छा ठीक है, अब ठीक है रख दिया, चलो। नहीं नहीं नहीं, उसे दूसरे को मत दे। अप्रैल फूल किसे अप्रैल फूल क्या होता है? ये प्रैंक होता है। अच्छा प्रैंक, और ये प्रैंक ही नहीं है कि अर्ज ऊपर तेरे को चलो डराया। आज है एक तारीख और हम डराते हैं लोगों को। मेरी आंखों से लोग डर जाते हैं, दहशत पैदा हो जाती है उनके दिल में, हार्ट अटैक के मर जाते हैं। दूसरी बार किया, दूसरी बार पब्लिक बुलाओगी क्या? पागल हो रही हो क्या? इतना भी क्या चलाना? मेरे को से घिन आती है, मुझे डर लगता है। घिन आती है, ये क्या हो गया? ले लो घिन। ढक्कन वही में पूछा था, कहा है ढक्कन? मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट, खराब हो गया ये मार्कर के डब्बे। ये परमानेंट मार्कर है, कैसे हटेगा? प्लीज कमेंट करके बताओ। ये वाला मार्कर था, इस पे परमानेंट लिखा है, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, इजीली इरेजेबल लिखा है, इजी टू वाइप। इससे वाइप करोगे? देखो किसका फोन था। ओए ये क्या है, मैसेज भी आ रहा है। डीपी बहुत अच्छी लग रही है, इतना इको की रिप्लाई भी नहीं कर रहे, या मुझे भूल गए? कौन है ये? लग रहे थे ना कॉल में, कॉल में आंटी। तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की है या लड़का है या आंटी है? तुम आंटी कैसे लड़का बोलेगा? चलो कॉल में अंकल बोल देता हूँ। कुछ तो बोलू, आंटी या अंकल। तुम सही हो यार, तुम्हें कोई लड़की ऐसे मैसेज कर रही है, तुम हल्के में नहीं रह सकते। मैं हल्के में नहीं लूंगी, मेरे को पसंद है कि तुम्हें कोई लड़की ऐसे मैसेज करे, ये क्या बात होती है? कर रहा हूँ ना, कॉल मी लिखा ना, कॉल मी। ऐसे क्यों है पे करोगी? क्या फोन मैसेज आ रहा है? अच्छा मेरे को ऐसे कोई लड़का मैसेज करे तुम्हें अच्छा लगेगा? तो मैं जांच पड़ताल करूंगा ना, सीआईडी करूंगा मैं। आई एम क्राइम, सीआईडी तो कर रही हूँ मैं। हाँ तो करो ना, लो तुम्हारा फर्ज बनता है, कॉल करो अपने नंबर से, कॉल करो। अपना नंबर भी लिख कर दूं मैं किसी को, माई गर्लफ्रेंड को। अच्छा अच्छा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो तो दिख ही रहा है, ऐसे मैसेजेस आज तक मुझे तो नहीं है, तुम्हें बड़े आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, रुक जाओ बेटो, यही होता है, देखो यही होता है। लड़को आप कृपया करके जो भी ऐसे मैसेज वगैरह आते हैं तभी सच्चाई सामने लाओ, नहीं तो बवाल मच जाएगा, बैग बिस्तर उठाएगा। नहीं तुम तो उठाओगे भी नहीं यार, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही रहना होगा तुम्हें तो। अभी कॉल करते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं। दूध का दूध सच्चाई। ये सही है, ये सही है। बोल रखा होगा तुमने कि व्हाट्सएप पे ही बात कर सकता हूँ, घर पे हूँ, लॉकडाउन है, बीवी घर पे है तो फोन नहीं बात नहीं कर सकता। अरे सारे आईडी तो मुझे देख ही रही हो, ऐसा भी करना पड़ता है तो मुझे हंसा। टाइप हो रहा है, अगर ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड निकली, सच्ची बता रही हूँ, लॉकडाउन है या कुछ भी है, तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो, तुम निकलो तो मैं नहीं जा सकती घर के बाहर, तुम जाओ। मैं इसको जो भी है सो पकड़ के लेके आऊंगा, पूछूंगा कौन है। अभी कॉल नहीं कर सकती, मॉम है यहाँ। अच्छा मॉम भी है इनकी, ये क्या बात होती है? क्या बात होती, पागल हो क्या तुम? इतना हंस किस बात के लिए रहे हो? मैंने रेखा को दो बार डराया मैंने। तो भाई जैसे कि आज एक तारीख का रेंट देना होता है, तो मैंने उनको रेंट दिया, एक तो मेरे की माइंड में क्लिक हुआ कि अरे अप्रैल फूल है। अच्छा, और जैसा कि यहाँ रूम में कैमरा रखा गया,
करा कैमरा इस एंगल पे रखा गया और मैं नहा के निकल रहा हूँ, तो मैंने देखा कैमरा ऑन, तो मैडम रिकॉर्ड करके गई है अंकु, वीडियो दिखा रही है अंकु के साथ, अभी अंकु हेल्प करेगी, प्रैंक करेगी, प्रैंक अंकु की बच्ची को टिम में लाती हूँ तुम अंकु के बेटा, हमसे कोई प्रैंक नहीं कर सकता, हमसे कोई प्रैंक नहीं कर सकता। तुमने क्या देखा, वीडियो देखा? हाँ तुम यहाँ बोल रही हो, देखो अंकु से मेरा चैट हुआ है, देखो कैमरे में वीडियो ऑन करके देखा। हाँ क्यों देखा तुमने ऑन करके, मैं बहुत प्रैंक कर रही हूँ, लग रही मुझे क्या बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनती ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसे झगड़ा करती हूँ ऑनलाइन, तो झगड़ा हो तो रहा है, ये झगड़ा नहीं, ये नेचर झगड़ा है, ये नेचर झगड़ा बेटा, ये तो प्यार है, आज तुम लोग कुछ और, तुम कितने को ऐसा कहते हैं स्मार्ट, तुम नाटक कर रहे थे, तभी मेरा नाम प्रिंस है, तो मैं होगी चौपसी, प्लानिंग कुछ अलग ही होता है। तुमने एक बंदे को नहाते हुए कैमरा रख दिया है, तो मैं गेट से निकला, मैं कहा अब कैमरा रखा है, आज एक तारीख का कोई प्रैंक तो नहीं है, मैं जब ही अलर्ट हो गया, और मैं जब भी नहाता हूँ, नहीं वो बोल नहीं सकता क्या मतलब है, बंद करके नहाता हूँ, तो क्यों नहाते बीवी से प्रभु आज बना दिया है प्रभु, और सुनाओ तुमने ऐसा क्यों किया प्रिंस, कितनी अच्छी वीडियो बनती है, कितना मजा आता है, अभी 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 उल्टा कर देते हैं, जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा उसी के साथ प्रैंक कर देते हैं, लिखता हूँ आई मिस यू डियर आई होप यू मिस मी एज़ वेल, क्या यार कितना मन से सोचा था प्रैंक करूंगी प्रिंस को, पागल बनाऊंगी, क्या करके रहे हो तुम, उसका प्रैंक करते हैं तुम्हें बोले क्या प्रैंक कर अंकु मेरी दीदी की लड़की है, मैं उसके साथ मिलकर के प्रैंक कर रही थी, वो किसी और नंबर से प्रिंस को मैसेजेस कर रही थी, अभी प्रिंस उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी, सदमा क्या बोल दिया तुमने उसको, मुझे अभी भी वो नाइट याद है प्रैंक है ना, उसे क्या बताया, मुझे पता ही नहीं लगा प्रैंक है, देखते हो टाइप कर रही है, अभी फोन खुल जाएगी मासा उसके पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे प्रिंस उसी की पिटाई क्या हुआ बेबी प्रिंस ने निकल, क्या हुआ बेबी, उसके मम्मी पापा मारेंगे पकड़ के उसको, पिछले आधे घंटे से प्रिंस अंकु के साथ चैट कर रहे थे और दोनों मतलब बेवकूफ बनाए जाते एक दूसरे को सोच करके कि अप्रैल फुल बन रहा है, मतलब मैं अभी कॉल करके मैं उसको बता रही हूँ कि हमें पहले से सब, प्रिंस को पहले से सब पता था, देखो उसका रिएक्शन, रॉन्ग 501 नंबर नाम से प्रिंस ने सेव किया था, अब उठाएगी नहीं तुम्हारे नंबर से, हेलो अरे बता दिया। नहीं मैंने नहीं बताया प्रिंस, जब मैं प्लानिंग कर रही थी ना मैंने कैमरे में पहले ही बोल दिया था कि गाइस मैं आज प्रिंस को अप्रैल फुल बनाने वाली हूँ, ये देखो अंकु का ये चैट है, अभी प्रिंस नहा के आएंगे तो ये पागल बनाऊंगी मैं, और वो रिकॉर्डिंग करके फिर मैं इधर उधर चली गई काम करने, फिर इतने में प्रिंस ने पता नहीं क्यों और कैसे देख लिया, तो प्रिंस को शुरू से ही पता था कि हम लोग अप्रैल फुल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, फिर हम दोनों मिलकर के तेरे को अप्रैल फुल बना रहे थे चल बाय बाय। तो गाइस मैं पूरी तरीके से फेल हो गई, तो गाइस अब मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई हूँ, बी नेचुरल की वीडियो एडिट होगी, बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाला है बी नेचुरल पे, तो स्टे ट्यून्ड, बाद में मिलते हैं। सो गाइस प्रिंस को बेवकूफ़ बनाने में मैं पूरी तरीके से नाकामयाब रही, तो कोई बात नहीं अगले साल कोशिश दोबारा से कर लेंगे, अभी मैंने सोचा कि प्रिंस को एक चैलेंज देते हैं, देखते हैं मेरे शेर कितना ये चैलेंज कर पाते हैं, नहीं तो चैलेंज ये है कि आपको ये जो बादाम है, ये गाइस बादाम है, ये मैंने डाल दिया ग्लास के अंदर, ठीक है
बिना बादाम को छुए और बिना ग्लास को छुए आपको बादाम बाहर निकालना है। 2 सेकंड से ज्यादा आप बादाम छू नहीं सकते हो। अब देखते हैं अगर ये करने में प्रिंस कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो फिर क्या? फिर अब तो सारी मार्केट बंद है, मॉल बंद है, कुछ नहीं मिलेगा। बादाम को बाहर निकालना है 2 सेकंड के अंदर बिना ग्लास को। नहीं, 2 सेकंड के अंदर नहीं, अगर तुम बादाम को छूना चाहते हो तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही छू सकते हो। ठीक गैस, आप तुक्का मारो क्या कर सकते हो? ग्लास रखने के लिए प्रिंस मैसेज नहीं कर सकते। तुम्हें किसने बताया ये? वो कॉमन सेंस से डालूंगा ऊपर आ जाएगा। क्या है यार तुम? ये देखिए जादू। और टच कर दिए ग्लास। प्रिंस को ट्रिक पता था कि कैसे करना है, फिर भी प्रिंस ने टच कर दिया ग्लास पे। जीत गई। प्रिंस हार गए। करना ये था गाइस, ग्लास को बिना छुए बादाम बाहर लाना था, तो ऐसे करना था जो कि मैं बता चुका था, मुझे पता था। ये देखो पानी गिरा रहे हैं। हाँ, आगे ऊपर झंड होगी, तुम भी हार गई। फ्लॉप आइडिया कहाँ से लेके आए? बादाम को आएगा, बादाम को आएगा। अरे लेकिन मैंने देखा था झंड होगी। ये देखो ये भाई, मेरा मानना है आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आपका पहला हक है कि आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, नहीं तो कोई आपको अधिकार नहीं दिया गया है सवाल पूछने का या है खेलने का, समझे? ये देखो इन्होंने कहा था बिना ग्लास टच किए आपको बादाम बाहर निकालना है ना? तो आपने पानी रखा ग्लास, पानी डाला तो बादाम नीचे बैठ गया। पानी बादाम नीचे बैठ गया है तो ऐसे ये लगता है बादाम काफी वेट गेन कर चुका है मेरी तरह। नहीं, मैंने जो हैक देखा था उसमें यही दिखा रहे थे कि ऐसे करने से बादाम ऊपर आ जाता है पानी की वजह से, इसमें आया नहीं। मुझे लगता है तुम्हारा बादाम मिलावटी है। बादाम मिलावटी नहीं है, छोटी कटोरी में डालो बादाम फिर ऊपर आएंगे। अरे वो सुबह आते हैं बाबू तैर के, नहीं आते ही नहीं है। चलो एक और चैलेंज देती हूँ प्रिंस को मैं, ये साफ कर दूँ फिर। आंखें खोलना नहीं है, तुमने भरोसा किया है, ठीक है? बिल्कुल नहीं खोला, अगर तुमने आंखें खोली तो तुम आउट हो जाओगे। ओके अब तुम्हारे तुम आंखें खोलोगे नहीं। मैं फ्रिज से ठंडा चॉकलेट लेके आई हूँ, ठीक है? हंसना नहीं है अब। मैं चॉकलेट इसलिए हंस रहा हूँ, चैलेंज ये है कि तुम्हें आंखें बंद करके ये चॉकलेट खाना है, और चैलेंज ये भी है कि तुम्हें चॉकलेट हाथों से नहीं, तुम्हें चॉकलेट अपने मुंह से खाना है। और ये मैं भी करूंगी, लेकिन जो सबसे पहले खा लेगा वो विनर होगा, ठीक है? अब मैं तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। अरे रुक तो जाओ, इतना पैं 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 कर रहे हो। चॉकलेट हाथ से नहीं खाना है, मुंह से खाना है। पर तो मुंह से तो खाते हैं, हाथ से कौन खाता है? टच नहीं करोगे तुम, ये बोलो आपको चॉकलेट जैसे भीख मांगते हैं वैसे हाथ करो, दोनों हाथ करो जैसे भीख मांगते हैं। सीधी उंगली या टेढ़ी मत करो, सीधे। अब तुम्हारे हाथ में मैं प्लेट रख रही हूँ, ठंडा प्लेट है, ठंडी चॉकलेट है। और ठंडा चॉकलेट तुम्हें एक बार में खाना है मुंह से। रुक जाओ, मैं छोटा कैमरा स्टार्ट करूँ। तुम्हें मम्मी कसम है, तुम्हें आँख खोल दी तो। कौन खोल रहा है? कसम खिला दी भाई, नहीं खोल रहा। भरोसा नहीं करती मैं तुम्हें। अच्छा तुम्हारी कसम तो खा सकता हूँ ना, मैं तोड़ सकता हूँ, मम्मी की तो ना तोड़ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, करती हूँ भरोसा मैं तुम पे। मुझे पेन तो नहीं होएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बिल्कुल पेन नहीं होगा। तो क्या कर रही हो? मोमबत्ती जला रही हो? अरे कैमरा वहाँ तुम्हारे मुंह पे रखे हो। क्या करना है बता दो, ठंडी प्लेट थमा दिया यार हाथ में। तो अभी प्रिंस के हाथ में चॉकलेट है, और वो भी ठंडा चॉकलेट है, मुंह से खाना है, और जितनी जल्दी खाओगे वो विनर होगा। इसके बाद मैं भी खाऊंगी। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे वो थोड़ी सी जल गई थी ना, कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ, बड़ा मुंह खाओ, खोल के एक बार में खा लो। क्या था, क्या खिलाया मैंने? प्याज। जब भूट गया वहां तो टेस्ट आया। तो प्याज वाली चॉकलेट कैसी लगी आपको?
तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, अब लूंगा बदला। प्रिंस का तो पता नहीं, मुझे बहुत मजा है। अब तुम बताओ तो तुम्हें लगा कैसा? मुझे पता था कुछ माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट की जा रही है, जल गई थी, ये पता था। मुझे लगा मुझे जली हुई खानी पड़ेगी। तुम्हारे मुझसे प्याज की गंदी स्मेल आ रही है। ऐसे मत करो यार। एक और चैलेंज करते हैं। ये सोप के दो टुकड़े हैं, देखते कौन सबसे पहले हैंड वॉश कर सकता है। ये लो, 1 2 3 वॉश योर हैंड। पहले साबुन को अच्छे से पानी से वॉश करो, अब हैंड वॉश करो, अब हैंड वॉश करो। तो कर लिया ना, झाग तुम्हारे हाथ में बनना चाहिए। मैं नहीं खेल रही। प्रैंक की वीडियोस झूठी होती है। दिखाया था कि अगर आप साबुन के अंदर थिनर लगा दो, नहीं क्या कहते हैं उसको, प्राइमर लगा दो या व्हाइट नेल पेंट लगा दो, उसके बाद अगर आप पानी से हैंड वॉश करते हो तो झाग नहीं बनता है। ऐसे आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो। सारे पता मैंने कितनी मेहनत की थी प्रिंस वाले साबुन के ऊपर, मैंने नेल पेंट लगाया था वो ट्रांसपेरेंट वाला, वो तो झाग बन गया मजे से, झाग हो गया साबुन यार, मेरा ही पोपट हो गया। तो मेरे साथ हैक्स किए जा रहे थे, प्रैंक किए जा रहे थे, कहाँ गई तुम? अभी मुझे पता है वहां पर कोई है। मोटी तुम इतनी हो, नजर आ जाओगी। आ जाओ बेटा, तुम छुपना भी नहीं आता। आ जाओ आ जाओ, मैं सांप लेके आता हूँ फिर। मैंने कहा मैं सांप लेके आ जाऊ। इसे कहते हैं डराना। क्या कहते हैं? डराना। एक बार से प्रिंस बन जाओ ना, मैं छुपती हूँ घर में, 5 सेकंड के अंदर तुम मुझे ढूंढना। मैं कैमरा गिराऊंगी क्या? नहीं गिराऊंगी कैमरा। अरे आंख तो बंद करो। ठीक है बंद कर लिया, अपनी आंख बंद करो। अभी आओ, 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना। कैसे लग रही है तुम इतने पास आके? 5 सेकंड में ढूंढना। रुक जाओ, ऑटो फोकस। धीरे बोलो, धीरे बोलो। देखो गाइस, जब मैं छुप जाऊंगी मैं ये टाइमर स्टार्ट कर दूंगी और तब तक प्रिंस काउंटिंग करेंगे 10 तक, ठीक है? 10 तक तुम काउंट करना, 10 तक काउंट करने के बाद मैं ये स्टार्ट कर दूंगी और प्रिंस मुझे ढूंढेंगे पूरे घर में। और अगर 1 मिनट के अंदर नहीं ढूंढा ना तो जो हारेगा वो 10 कैमरा मेरी तरफ करो, जो हारेगा वो 10 बार उठक बैठक करेगा। देखते कौन करता है, प्रिंस या मैं, ठीक है? गिनो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैंग बैंग। कहाँ गई लड़की? मेरे सांप पकड़ लिया। टाइम खत्म हो गया। तुम्हें 60 सेकंड में ढूंढना था, मेरी तरफ कैमरा तो करो। मैं जीत गए। तो 60 सेकंड हो गए और प्रिंस मुझे ढूंढ नहीं पाए। और अब तुम ये टाइमर स्टार्ट करो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। जो हारेगा वो 10 बार उठक बैठक करेगा, मुझे पता तुम ही हारोगे। चलो सांप से नहीं डरोगे, ये तुम्हें मेरी कहा। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 तुमने मेरे को मौका दिया था, 6 7 8 9 10 तुमने स्टार्ट कर दिया टाइमर। हाँ अंदर है, मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। ये कोई मतलब नहीं कि तुम दरवाजा लॉक करके बैठ जाओगे, तुम आ नहीं पाओगे, तो तुम हार जीत गए। तुम अंदर हो, धप्पा, तुम आउट। आई कॉट यू, पकड़ लिया। कितने देर में पकड़ा? 6 सेकंड।
आ जाओ, उठक बैठक करना पड़े तुम्हें, चलो करो। मैं जानबूझ के आ गया, हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुबह से अप्रैल फूल बन नहीं रहे और कह रहे हो हार नहीं सकता, तुम हार गए। चलो 10 बार उठक बैठक करो, बैठो। हो ही नहीं रहा उठक बैठक, बैठो। 1 2 3 मुझे बहुत मस्त ऐसा बहुत मस्त मजा आया गाइस, बेस्ट अप्रैल फूल था मेरी जिंदगी का। एट लास्ट मैं जीत गई, प्रिंस हार गए और उन्होंने अपनी सजा बखूबी निभाई। तो अगली बार हम कौन सा चैलेंज करें, क्या मस्ती करें, मजाक करें, बताना कमेंट करके। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।